मुखिया जी जानकी के साथ क्या होगा देखिए जानकी 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 बेटा जानकी अरे मेरी बेटी जानकी अरे किसे कर दिया करवा दूंगा जी जी जाइए आप लोग काम हो जाएगा। नमस्कार बधाई हो आप पुलिस मिनिस्टर बन गए और राइट टाइम पर बन गए राइट टाइम पर राइट काम करना तो इनकी पुरानी आदत है। अयो बधाई देने तुम अकेले ही आए ससुर जी और बाकी की मंडली नहीं आई जी नहीं जीजा जी दरअसल बात यह है आनंद ने गांव की एक लड़की का रेप कर दिया और उसे मार दिया जी ये काम सुर में किया उसने ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी लेकिन लड़की का बड़ा भाई इंस्पेक्टर है वो मामले को दबने नहीं देगा नाम क्या उसके भाई का अजय शास्त्री ओ वही फिलोसोफर अब मैं उसे पूछूंगा उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था थप्पड़ खाना तो इसकी पुरानी आदत है वो अजय शास्त्री तुम्हारे गांव का था उसके बावजूद भी उसने मुझे नहीं पहचाना जी वो आपकी शादी पर भी नहीं था देखो तुम सुनो तुम लोग कोई काम बेसुरा नहीं करना और खास तौर पे ससुर जी को रोकना जी वो पुलिस वाला है मैं जो भी करूंगा सुर और ताल में करूंगा मैं लोहे को लोहे से ही काटूंगा क्यों डीएसपी माथुर जी सर आपने जो कुछ कहा सर मैंने कुछ सुना नहीं लेकिन आपने क्या कहा वो मैंने सुन लिया आप अपना ट्रांसफर किसी बड़े शहर में चाहते हैं जी और आपको प्रमोशन भी चाहिए जी लेकिन आप ये सब कैसे जानते सर मैं मुंह का साइज देख के हड्डी का साइज समझ लेता हूँ ये तो इनकी पुरानी आदत है सपना देख लिया है तू आईपीएस ऑफिसर बने इसीलिए आज से सालू चालू मान लीजिए अगर ये मैं नहीं बन पाई तो
फिर भी सलामी जारी रहेगी। एक बार जिसे ऑफिसर मान लिया तो मान लिया। रहने तो भैया, मैं कर लूंगी बाबा। अरे तेरी शादी में मेहंदी तो मुझे ही लगानी है ना, चुपचाप बैठी रह। जानकी के भाई का क्या होगा? ठाकुर साहब की बड़ी बेटी। हाँ, इसी के बारे में सुना कि बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो देवी है, देवी। नमस्ते। पायल जीते रहो भाई। नमस्ते। नमस्कार दीदी। आ गई। शुक्रिया शुक्रिया। कैसी हो अनु? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे वाह अनु, तू तो एकदम महंगाई की तरह बढ़ती जा रही है। तारीफ करना तो पुरानी आदत है। आने एक बात पूछनी थी तुमसे। आनंद कहाँ है? आनंद भैया अंदर है। अच्छा, और दीदी? अरे देख अपने भाई को कैसा डरा हुआ है। चेहरा कैसा बुझा बुझा सा है। रात को सोता नहीं है शायद। लगता तो यही है। डर के मारे लगता है खाना पीना भी भूल गया है। है तो बड़ी कुत्ती चीज, देखो तो कैसे शरीफ बन के बैठा हुआ है। जाने पीछे, आप तो आनंद के पीछे ही पड़ गए। अरे ये तो मेरा सबसे प्यारा और दुलारा साला है। देख आनंद, मैं तेरे डर को आज हमेशा के लिए तेरे अंदर से निकाल दूंगा। उस अजय को मैंने आज यहीं बुलाया है, यहीं। वो भी आता ही होगा। जरा संभालिए इनको, आपके दुलारे चले। अरे आनंद, अरे तू जिससे डरता है ना, वो मेरे सामने सर झुका के खड़ा रहेगा। साला सबके सामने मुझे सलाम करेगा, सलाम। गौर से देखिए, इसका सर झुका हुआ नहीं है, मर्द की तरह सीना तान कर खड़ा है। और रही सलाम करने की बात, तो उसने पहले ही हाथ में पट्टी बांध रखी। सारी कहानी का निचोड़ ये है कि इसने आज भी आपको ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? चोट लगी है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने झूठ मूठ हाथ में पट्टी इसलिए बांधी है ताकि तुम्हें हाथ उठाकर मुझे सलाम नहीं करना पड़े। अच्छा तुम इतना याद रखो,
तुम चाहे जितनी भी चालाकी कर लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। आप भी याद रखिए, हवा चाहे जितनी तेज चले, पहाड़ों में सुराख नहीं हो जाते। सलाम करवा लिया उससे? जीजा जी, शरबत पी लीजिए। अरे जीजा जी, क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? हार कर चुप रहना तो उनकी पुरानी आदत है। शट अप, सुर में रहना, सुर में। जब भजन कीर्तन से काम नहीं चले तो बलि चढ़ानी पड़ती है, बलि। तुम तो कानूनी तरीके से चलना चाह रहे हो, बड़ी देर लगेगी। ये कहाँ छिपा होगा आनंद का बच्चा, पता नहीं। अजय, तुम्हारी कमिश्नर साहब से बात हुई ना? हाँ। उन्हें आचार्य जी के बारे में सब कुछ बता दिया ना? हाँ, उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तक शायद पुलिस थाने में फोन कर दिया। साहब, मुझे इंस्पेक्टर पवनलाल जी ने भेजा है, आनंद जंगल के डाक बंगले में छुपा हुआ है। अच्छा होता आप हमारे साथ चलते। आनंद डाक बंगले में? आनंद छुपा हुआ है। आनंद चाहिए? ये है आनंद, इसी ने तेरी बहन की। बवलाल, शट अप! अब ये तेरी भी ऐसी तैसी करेगा। आनंद, गोली मारी से। अरे तू इसे मारेगा ना तो सबसे ज्यादा दर्द होगा इसे। मार, अरे देखता क्या है, मार। ये तुमने क्या किया? नहीं अजय, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें मैं आपको बचाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, पहले डीएसपी साहब के पास, उनके सामने बयान देने में कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट। उनके सामने बयान दूंगा तो केस एकदम पक्का हो जाएगा। अजय तू मेरी फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल होश में हूँ। चलो डीएसपी साहब के पास चलो, पहले डीएसपी साहब के पास, तुम्हें मेरी कसम है। जल्दी अजय, मेरी फिक्र मत करना। मैं भी डीएसपी साहब को लेकर आया। तू ये रहा। सर जल्दी चलिए, दर्शन मरीजी पे जख्मी पड़ा हुआ है, उसे मुझे बचाने में गोली लग गई। जल्दी से उसका बयान ले लीजिए। लेकिन उसको गोली मारी किसने? आचार्य जी के ससुराल वालों ने, और उनके साथ इंस्पेक्टर भंवरलाल भी मिला हुआ है। जस्ट अ मिनट, मैं अभी टेप रिकॉर्डर और वीडियो कैमरा लेके आता हूँ।
Thank you.